एवरीवन सर, एक कॉलेज था जिसके रिगार्डिंग स्टूडेंट की काफ़ी क्वारी आ रही थी कि भैया इसका क्या सारा सीन है, क्या ये नए रूल लेकर आ रहा है, क्या ये चांद से क्या कौन इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसके ऊपर क्या AICTE UGC किसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्या क्या रहा सीन है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट KR मंगलम यूनिवर्सिटी एंड दिस इज सिचुएटेड इन गुरुग्राम हरियाणा। तो चलिए देख लेते हैं क्या सारा सीन है इसका। सर बेसिकली जो इश्यू है स्टूडेंट को वो है इसके एडमिशन प्रोसेस के से, बिकॉज इसका जो नाम है वो लोगों के सामने थोड़ा सा निकल के आया, बिकॉज ओनली एंड ओनली फॉर दिस इज पार्टिसिपेट इन CUET एंट्रेंस टेस्ट इन 2022 एंड दिस इज एन प्राइवेट टाइप बॉडी। ओके, यानी कि एक प्राइवेट कॉलेज है और ये CUET में भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो स्टूडेंट का बेसिकली ये कहना है कि भैया इसमें एडमिशन का क्या बेसिस है और इसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है और कितना प्लेसमेंट जाता है और कितना नहीं जाता है, तो ये क्या सारा सीन है। तो चलिए देख लेते हैं। सर बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं, इनका मेन मोटिव हो गया है फीस ऐंठना। ठीक है, इनको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में आजकल कोई नहीं जा रहा, मैकेनिकल में कोई नहीं जा रहा, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने फीस का जो भी सारा चक्कर होता है वो कर डाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ से कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी क्या बोलता है कि पहले आप हमारे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कीजिए जो कि 900 रुपये का है। ठीक है, 900 रुपये का अप्लाई करने के बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा हमारा। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आपको हमारा इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। भाई UPSC कर रहे हो क्या, हाँ बताइए मुझे आप, UPSC का एग्जाम है ये, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस दो, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये क्या सारा सीन है, इंटरव्यू वगैरह क्यों देना। नहीं नहीं सर, नॉर्मल है पर्सनल इंटरव्यू, आपसे कुछ पूछते हैं, आपका नाम पता है, मैं फॉर्म में लिख के नहीं दे रहा, मेरे मार्कशीट में नहीं लिखा मेरा नाम पता क्या है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ होता है एडमिशन के चोचले, समझ रहे हो आप। फिर इन लोगों ने क्या किया, फीस का आ गया। BTEC में आप अगर AI से, मशीन लर्निंग से, फुल स्टैक डेवलपमेंट से करना चाहते हो, देन आपकी एक साल की फीस होगी 210,000 ऐसे कुछ। ओके, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो देन आपकी फीस होगी 1,45,000 ऐसे कुछ। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, अदर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, देन आपकी फ़ीस होगी 1,75,000 कुछ। ठीक है, BTEC की फ़ीस बता रहा हूँ। अगर आप PhD करना चाहते हो देन आपकी फ़ीस ओनली फॉर 90,000 रुपये। भाई हाँ, PhD को तुमने ऐसे ही समझ रखा है, मतलब PhD की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, उसकी भी तो फीस इनके बराबर रखनी चाहिए, जो भी इसका सारा सीन है। लेकिन यार ये जो कर रहे हैं कि आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको ऐसा देना पड़ेगा, आपको हमारा एंट्रेंस देना पड़ेगा, ये ऐसा कोई भी AICTE UGC का रूल नहीं है कि आप BTEC के अंदर इंटरव्यू ले सकें। हालांकि पिछले कुछ साल के अंदर DU जामिया ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, एंड वो तो मतलब रेपुटेटेड कॉलेज है, वहाँ पे जाने के लिए बच्चे IIT जामिया DU में जाने के लिए अपनी जान तक गवा देते हैं। ठीक है, जी जान लगा देते हैं मतलब पढ़ने के लिए। और ये प्राइवेट कॉलेज वाले बोलते हैं, मतलब बेसिकली हम जैसे किसी भी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं इसके बारे में रिव्यू वीडियो, जैसे कॉलेज दुनिया है या फिर शिक्षा.com है, तो फिर उनका जो है इनसे टाइप होता है, तो ये देखते हैं कि भैया किसने वहाँ पे आके जाके देखा है। तो ये जो लोग हैं वो वहाँ पे नंबर उठा लेते हैं और कॉल करने लगते हैं कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। भाई मेरे को परेशान कर रहे हैं, अब मैं तुम्हारे BTEC में एडमिशन लूँ या लोगों को गाइड करूँ, मेरा बिजनेस संभालूँ। मेरे को कॉल करते हैं, हेलो कमल किशोर सैनी जी, आपको एडमिशन लेना था KR मंगलम यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, हमारा ये इतना फीस है, हमारा आपको ये 900 रुपये का फॉर्म भरना है। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं भरना, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म भर के। बोलते हैं कि भैया 900 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, अभी आपने फॉर्म भरा नहीं है, आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, मतलब जस्ट मेरे से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, मेरे ऊपर दबाव डालते हैं, आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना। मैंने कहा भाई नहीं भरना, चलिए मैं आपको ईमेल डालता हूँ। मैंने कहा मेरे को ईमेल आया नहीं, ठीक है मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, व्हाट्सअप पर मेरे पास प्रोफेसर भेजता है कि हमारा इसके साथ टाइप है, हमारा IBM से टाइप है। ठीक है, हमारा जो भी ये डिजाइनिंग वगैरह बनती है ना, इंडिया की जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह बनती है, सारी की सारी KR मंगलम यूनिवर्सिटी से बनती है, और तो कोई है ही नहीं बनाने वाला, इनके पास ही ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, राइट। सो यार सिर्फ और सिर्फ चूतिया पा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉलेजों से, ऐसे इंटरव्यूज से आप लोग सावधान रहे, और ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है। हालांकि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एडमिशन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन बस इंटरव्यू वगैरह का क्या कनेक्शन कि पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्या सारा सीन है। आप लोगों को भी अगर ऐसा कुछ खाओ तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको भी इंटरव्यू वगैरह के लिए बोल रहे हैं क्या ये लोग।
और मेरे को ये फीस वाला थोड़ा सा डिफरेंट अलग ही लगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेज हैं जिनका ये सारा चक्कर देखने को मिल रहा है कि भैया जिस कोर्स का डिमांड है ज़्यादा उसकी फ़ीस बढ़ा दो। ठीक है, AI का सभी को पता है बहुत ज़्यादा डिमांड है, IT का डिमांड है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का डिमांड है, तो इसका फ़ीस डबल कर दो, ज़्यादा कर दो, 2 लाख कुछ कर दो। जिस कोर्स में बच्चे इनरोल नहीं हो रहे उसकी सीटें घटा दो, फ़ीस भी कम कर दो, एंड जिस कोर्स की डिमांड है उसकी फ़ीस सीटें बढ़ा दो, फ़ीस ज़्यादा कर दो, राइट। सो ये सारी चूतियाँ पे देखने को मिल रहे हैं दिस प्राइवेट कॉलेजेज में। सिर्फ एक कॉलेज की इसी की ही बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जिनमें ये सारा का सारा सीन देखने को मिल रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे कॉलेजों से सावधान रहिए। इनका मेन मोटिव जो है वो एजुकेशन ना होकर पैसा हो चुका है। हालांकि वेबसाइट पर शो कर रहा है कि दिस इज जस्ट लाइक जो है 24 लाख दिखा रहा है हाईएस्ट प्लेसमेंट, राइट। सो उसके ऊपर तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो है ये लोग जो कर रहे हैं जैसा कि दिस इज वेरी बैड, ओके। और भी आप लोगों का इस कॉलेज के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो मैंने बनाया था पहले भी, तो जस्ट उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हालांकि ये फीस का पहले भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का आया था कंसर्न कि भैया ऐसे ऐसे कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले कर रहे हैं हमारे साथ सारा का सारा जो सीन है कि भैया क्या सारा सीन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज विद अ टॉप प्लेसमेंट, सो जस्ट उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हो हमारी टीम से, या फिर आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हो, ठीक है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यूज़ मैंने आपको पहले भी दिया था कि यार साइएस सैलरी पैकेज 25,000-30,000 मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई टॉप कंपनी रिक्रूट करने नहीं आती है, गुरुग्राम एंड नोएडा की कुछ कंपनीज आती है जो कि बच्चों को उठा के ले जाती है, ओके। एंड टीचर्स इन योर कॉलेज आर हेल्पफुल इन सम एक्सटेंट, ओके। सो ये सारा चीज है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जो है शिक्षा.com कॉलेज दुनिया या फिर जो क्योरा होता है हमारा उस पर जो रिव्यू दिए होते हैं उससे थोड़ा सा सावधान रहिए, बिकॉज जस्ट लाइक ये सारे के सारे पेड प्रमोशन होते हैं और पैसे दे के लिए जाते हैं, ओके। सो इनसे थोड़ा सावधान रहिए आप, ओके। बाय बाय, टेक केयर। और आप हमारा मिशन गारंटेड एडमिशन इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज प्लान भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अंदर बेसिकली आपको सिखाया जाता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट, एंड स्पेशल क्लासेस कंडक्ट की जाती है रिगार्डिंग योर फ्यूचर कोर्सेज, व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज़ IT, व्हाट इज़ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ एरोनॉटिकल, व्हाट इज़ एरोस्पेस, इन फ्यूचर 4 साल बाद कितनी जॉब मिलेगी तुम्हें, कितनी सैलरी मिल रही होगी, क्या इंडस्ट्री का स्कोप होगा, कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, कहाँ पर तुम्हारी जॉब होगी, कितना तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, बिजनेस का क्या सीनेरियो होगा, ये दुनिया जो जनरेशन है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेशियो क्या होगा, अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है देन जो है बैंक के सारे डॉक्यूमेंट तैयार कराना ताकि आपको बैंक के चक्कर ना काटने पड़े। एडमिशन के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन किए जाते हैं इन द सब्सक्रिप्शन प्लान, सो आप जस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।